Hello friends, welcome to my YouTube channel. So in this video we are going to learn class 8 mathematics chapter number 2 parallel lines and transversal. In this video we are going to learn basic concepts of the practice set 2.1. Before doing practice set 2.1 we will learn some basic concepts whatever they are mentioned in your textbook. Okay, so we will learn first of all what is meant by parallel lines. Parallel lines matlab kya hota hai, theek hai? The lines in the same plane which do not intersect each other are called parallel lines. ऐसी दो lines जो आगे जाके intersect ना हो, यानी मिले ना आगे जाके, ऐसी lines को हम कहते हैं parallel lines. The line L and line M are parallel lines is written as line L parallel to line M. तो अब हम देखेंगे कि जो line L parallel to line M है अगर, तो हम उसको mathematically कैसे लिख सकते हैं वो हम देखेंगे. तो यहाँ पे देखो एक फिगर दिया हुआ है आपको, यहाँ पे लाइन एम है, लाइन एल है और लाइन एम है. इसको यहाँ पे बोला है कि ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल है, मतलब कि इसको हम कितने भी आगे एक्सटेंड करेंगे बुक के, टेक्स्ट बुक के बाहर भी अगर इसको लेके जाएंगे तो ये एक दूसरे से कभी भी मिलने वाली नहीं है. तो ये होती है पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन. तो अब हम कैसे लिखेंगे, अगर हमें बताना है कि लाइन एल और लाइन एम एक दूसरे को पैरेलल है तो हम कैसे बताएंगे, दैट वी विल सी. सपोज अगर हमें मैथमेटिकली लिखना है कि लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम, अगर हम ऐसे वर्ड्स में लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम, राइट, हम ऐसे लिखेंगे. लेकिन अगर हम इसे मैथमेटिकली लिखना रहेगा तो हम कैसे लिखेंगे, लाइन एल पैरेलल टू लाइन एम. ऐसे कोई भी लाइन हम लिख सकते हैं. सपोज अभी हमें बताना, अगर हमें बताना है कि लाइन ए पैरेलल टू लाइन बी, लाइन तो हम कैसे लिखेंगे, लाइन ए पैरेलल टू लाइन बी. ये बस साइन बीच में होना चाहिए. लाइन यहाँ पर हम जब लिखते हैं तो इन दोनों के बीच में ये वाला जो साइन है, पैरेलल वाला जो साइन है वो होना चाहिए, बस दैट्स इट. तो ये हमने देखा कि अगर हमें पैरेलल लाइंस बताना है कि कोई भी दो लाइन पैरेलल है उसको हम कैसे लिखते हैं, तो वो हमने सीख लिया कि कैसे लिखते हैं. आई होप आपको समझ गया रहेगा कि कैसे लिखते हैं. तो हमने देख लिया कि पैरेलल लाइंस क्या होते हैं. अब नेक्स्ट है ट्रांसवर्सल. पैरेलल लाइंस, देखिए चैप्टर का नाम क्या है, पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल. तो हमने एक देख लिया कि पैरेलल लाइंस क्या होते हैं, अब हम देखेंगे कि ट्रांसवर्सल मतलब क्या होता है. ओके, इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन एल इंटरसेक्ट्स लाइन एम एंड एन. जो लाइन एल है यहाँ पे, एडजॉइनिंग फिगर मतलब जो सामने दिया हुआ फिगर है, इसमें जो लाइन एल है ये इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब कि ये दोनों लाइन के बीच से पास हो रही है. ये जो लाइन है इंटरसेक्ट कर रही है लाइन एल, लाइन एम एंड लाइन एल. लाइन एम को और लाइन एन को ये जो लाइन एल है वो इंटरसेक्ट कर रही है. ओके, क्या बोला मैंने, जो लाइन एम है और लाइन एन है इसको इंटरसेक्ट कर रही है लाइन एल इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. मतलब कि जब ये इंटरसेक्ट कर रही है तो टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, दो पॉइंट्स फॉर्म हो रहे हैं ना यहाँ पे, तो वही यहाँ पे लिखा है कि टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इसको इंटरसेक्ट कर रही है. लाइन एल इज अ ट्रांसवर्सल ऑफ लाइन एम एंड एन. तो ये जो लाइन एल है ये क्या है, ट्रांसवर्सल है लाइन एम और लाइन एन का. कौन ट्रांसवर्सल है, लाइन एल ट्रांसवर्सल है लाइन एम और लाइन एन का. चलो हम लोग अब नोटबुक में समझ के देखते हैं कि मैंने आपको क्या कहा. लेट्स से हमारे पास अगर कोई लाइन है, सपोज यहाँ पर मेरे पास दो लाइन्स है, ठीक है, यहाँ पे दो लाइन्स है. अगर इन दोनों के बीच में एक लाइन ऐसे करके पास होती है, ठीक है, ऐसे करके पास होती है, तो ये लाइन क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्सल हो जाएगी. इतना सिंपल है इसका कॉन्सेप्ट. तो ये लाइन क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्सल. आई होप आपको समझ गया रहेगा कि ट्रांसवर्सल क्या होता है. तो बहुत सिंपल है, देखो ना, अगर कोई भी दो लाइन हो उसके बीच में एक लाइन उसको इंटरसेक्ट करके जाए, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में, दो पॉइंट्स बनना चाहिए, हाँ ये भी कंडीशन याद रखो आप. तो टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में अगर इंटरसेक्ट करके जाए तो वो क्या होगा, ट्रांसवर्सल होगा. इन दोनों लाइन का ट्रांसवर्सल होगा. आई होप आपको समझ गया रहेगा आप ट्रांसवर्सल क्या होता है. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम देखेंगे, एंगल्स मेड बाय अ ट्रांसवर्सल. जब दो लाइंस पे एक ट्रांसवर्सल आके काटती है तो एंगल्स कौन कौन से बनते हैं, मतलब कितने एंगल्स बनते हैं वो हम देखेंगे, और कौन कौन से बनते हैं वो भी देखेंगे, और जो प्रॉपर्टीज है
वो हम कब स्टडी करेंगे इसकी, जब 2.2 प्रैक्टिस सेट हम करेंगे ना, तो उसके पहले प्रॉपर्टीज दी हुई हैं इन एंगल्स की, वो हम स्टडी करेंगे 2.2 का, वो बेसिक्स है क्योंकि, तो जो 2.1 का बेसिक्स है अभी हमें वही पढ़ना है, तो हम उस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। फर्स्ट है एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल, कौन कौन से एंगल्स ट्रांसवर्सल से बनते हैं। तो यहाँ पे दिया है इन द एडजॉइनिंग फिगर ड्यू टू द ट्रांसवर्सल, मतलब कि ट्रांसवर्सल के वजह से देर आर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, यहाँ पे टू डिस्टिंक्ट पॉइंट फॉर्म हो रहे हैं, आपको दिख रहा है साफ साफ, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट फॉर्म हो रहे हैं ऑफ इंटरसेक्शन नेमली एम एंड एन, और उसका नाम क्या है एम और एन। एट ईच ऑफ दिस पॉइंट्स फोर एंगल्स आर फॉर्म्ड, और हर एक पॉइंट पे, ठीक है, ये जो दो पॉइंट बने हैं, हर एक पॉइंट पे कितने एंगल फॉर्म हो रहे हैं, फोर एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। देखो मैं आपको दिखाती हूँ जूम करके, यहाँ पे टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में ये दो पैरेलल लाइंस है, मतलब पैरेलल नहीं है, नॉर्मल लाइंस है, इन दो लाइंस पे एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पे टू डिस्टिंक्ट पॉइंट बन रहा है बराबर। तो एक जो डिस्टिंक्ट पॉइंट है यहाँ पर कितने चार एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, 1 2 3 4, और यहाँ पर जो सेकेंड डिस्टिंक्ट पॉइंट है यहाँ पे भी टोटल कितने एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, चार फॉर्म हो रहे हैं, 1 2 3 4, तो टोटल कितने एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, 8 एंगल्स। देखो ना आप खुद ही काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल कितने एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, 8 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, आप रीड कर सकते हो। दीज एंगल्स आर ग्रुप्ड इन डिफरेंट पेयर्स, ये जो एंगल्स है इनको अलग अलग पेयर्स में क्लासीफाई किया गया है, तो चलिए हम उन पेयर्स को स्टडी करते हैं, ठीक है। फर्स्ट है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, पहला एंगल कौन सा बनता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये डेफिनेशन हम नहीं रीड करेंगे, मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी जिससे आप फाइंड कर सकते हो कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन सा है, फिर इंटीरियर एंगल्स, देन आफ्टर दैट यू हैव ऑल्टरनेट एंगल्स, और उसमें भी दो टाइप्स है, फर्स्ट है इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स एंड नेक्स्ट है एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। तो मैं आपको एक यहाँ पे ट्रिक बताऊंगी जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये जो लाइन दी है दो और उसके बीच में ट्रांसवर्सल पास हो रही है टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे, तो कौन कौन से एंगल फॉर्म हो रहे हैं, कौन से कॉरस्पॉन्डिंग है, कौन से इंटीरियर है, ये आप जल्दी से फाइंड कर पाओगे, फिर आप उसके बाद ये डेफिनेशन रीड करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। लेट्स बिगिन विद दैट ट्रिक, फर्स्ट इज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, इसके लिए क्या ट्रिक होगी। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स मीन्स होते हैं एफ एंगल्स, मतलब कि जो F के पेयर में आए, F के पेयर में जो ये वाला एंगल होता है और ये वाला एंगल होता है वो होता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो मैं आपको बताती हूँ कि ट्रांसवर्सल के केस में कैसा दिखेगा वो, मैं आपको वो भी बताती हूँ। अब F ऐसा भी हो सकता है और F आपका ऐसा भी हो सकता है, F कैसा भी होने दो, बस ये एंगल और ये एंगल आपको देखना है और आपको पेयर फाइंड करना है, तो आप इसको F एंगल करके याद रख सकते हो, और यहाँ पे देखिए ये ऐसा भी हो सकता है, ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर होगा, और ये एंगल ऐसा भी हो सकता है, और ये एंगल जो है ये वाला कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर ऐसा भी हो सकता है, आफ्टर दैट ऐसा भी हो सकता है, कैसा भी एफ बनना चाहिए लेकिन एफ में ये दोनों जो एंगल होंगे वो कौन से पेयर होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर होंगे। सो ये देखिए ऐसा होगा एफ आपका, सपोज अब हम ट्रांसवर्सल के केस में देखते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन सा होगा। यहाँ पे सपोज दो लाइन्स है और इसके बीच में एक ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ पर जो ये वाला एंगल होगा, ये जो एम होगा और ये जो एन होगा, एंगल एम एंड एंगल एन, ये क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का एंगल्स बोला है तो मतलब ये हमेशा पेयर में ही आएगा, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल्स है प्लूरल है इसके लिए ये पेयर में ही आएगा, ये याद रखना है आपको। और उसके बाद ये एंगल और ये एंगल, ये भी क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग होगा, क्योंकि यहाँ पे भी देखो ना एफ बन रहा है, तो ये एंगल सपोज यहाँ पर है क्यू और यहाँ पे है आर, आर यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, यहाँ पे भी क्यू है, सपोज यहाँ पे ए ले लेते हैं और यहाँ पे बी ले लेते हैं, तो ए एंगल ए एंड एंगल बी, ये भी क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का ही पेयर होगा। तो एफ एंगल जहां पे भी आपको दिखे तो वो कौन सा एंगल होगा,
कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होगा। एफ एंगल्स सिर्फ आपको देखना है, आपको एफ देखना है, अभी यहाँ पर देखते हैं ऐसा बन रहा है क्या, नहीं ऐसा नीचे नहीं बन रहा है, बस ऐसा वाला एफ बन रहा है और ऐसा वाला एफ बन रहा है, तो ये एंगल हमने ले लिया और ये एंगल ले लिया, ये एंगल ले लिया, ये एंगल ले लिया। तो आई होप आपको समझ गया जाएगा कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब क्या होता है। नेक्स्ट है हमारा इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स मतलब कि नाम से ही पता चल रहा है, जो भी अंदर के एंगल्स होंगे ट्रांसवर्सल में उसको हम क्या कहेंगे, इंटीरियर एंगल्स। सपोज इसको भी याद रखने की एक ट्रिक है, इसको हम सी एंगल्स करके याद रख सकते हैं। कौन सा एंगल? सी एंगल। जो सी के अंदर ये वाला एंगल होगा और ये वाला एंगल होगा वो होगा हमारा इंटीरियर एंगल्स। एंगल्स हाँ, हमेशा पेयर में ही आएगा, ये आपको याद रखना है क्योंकि प्लूरल है एंगल्स। ओके, फिर ये और ये दो तरीके से ही फॉर्म हो सकता है, क्योंकि हम अगर इसे ऐसे करेंगे तो भी ऐसा बनेगा, फिर ऐसे करेंगे हाँ ऐसा भी होगा। सी, ये भी सी बन रहा है, इसको यू मत याद रखना, इसको सी ही याद रखो, क्यों एक्स्ट्रा एक लेटर याद रखोगे, इसलिए ये भी सी है और ये भी सी है। ये चार तरीके से हो सकते हैं आपके इंटीरियर एंगल्स। जो इसके अंदर जो एंगल्स फॉर्म होंगे, ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों के पेयर को हम क्या बोलेंगे, इंटीरियर एंगल्स। फिर इधर पे भी जो ये एंगल और ये एंगल है, इन दोनों के पेयर को हम क्या बोलेंगे, इंटीरियर एंगल्स, ये भी और ये भी। ओके, अब हम देखेंगे कि ट्रांसवर्सल के केस में कैसे होता है ये। अब आपको यहाँ पे सी लेटर देखना है इसमें, तो इसमें सी लेटर कौन सा है, देखिए ये है, यहाँ पर सी बन रहा है ना, यहाँ पर ये सी बन रहा है और यहाँ पर भी एक सी बन रहा है, राइट। तो यहाँ पे एंगल एफ एंड एंगल एन, ये क्या है, इंटीरियर एंगल्स, बिकॉज ये सी के अंदर आ रहे हैं ना, एफ और एन सी के अंदर आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे एंगल यहाँ पे भी बन रहा है, यहाँ पे भी सी है और ये साइड भी सी है, एंगल एम और एंगल पी, एंगल एम एंड एंगल पी, ये भी किसका पेयर है, इंटीरियर एंगल्स का पेयर है। तो यहाँ पे दो पेयर बन रहे हैं, एक इस साइड और एक इस साइड, ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल। तो ये जो ट्रिक्स है ये बिल्कुल काम करेंगी और एकदम राइट है ये ट्रिक्स, एकदम एक्यूरेट आपको आंसर मिलने वाला है जब भी आप प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करोगे तो भी, तो ये ट्रिक आप फॉलो कर सकते हो। तो एक ऐसे मिला और एक हमें ऐसे मिला, ये एंगल ये एंगल ये एंगल ये एंगल, ये दोनों एंगल किसका पेयर होगा, इंटीरियर एंगल्स का, और ये दोनों एंगल किसका पेयर होगा, इंटीरियर एंगल्स का। हमने देख लिया कि ट्रांसवर्सल के केस में ये कैसा रहेगा। नेक्स्ट है अल्टरनेट एंगल्स। तो अल्टरनेट एंगल्स को भी याद करने के लिए एक ट्रिक है, लेट अस सी दैट ट्रिक। अल्टरनेट एंगल्स को आप जेड एंगल करके भी याद रख सकते हो, जेड एंगल्स, जेड के अंदर जो ये वाला एंगल आएगा और ये और जो ये वाला एंगल आएगा, वो ये दोनों किसका पेयर होगा, अल्टरनेट एंगल्स का। जेड ऐसा भी फॉर्म हो सकता है और जेड ऐसा भी फॉर्म हो सकता है, जेड आपको सिर्फ देखना है जेड कैसा भी फॉर्म हो सकता है और जेड ऐसा भी फॉर्म हो सकता है, देखिए ऐसा भी फॉर्म हो सकता है ऐसा, ये आपको एन जैसा दिखेगा लेकिन आप जेड ही याद रखो, एक्स्ट्रा लेटर मत याद रखो वरना कंफ्यूजन होगा। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी अल्टरनेट एंगल्स होगा और जेड ऐसा भी फॉर्म हो सकता है। ओके, तो जेड ये चार तरीके से फॉर्म हो सकता है। तो ये ट्रांसवर्सल के केस में कैसा दिखेगा हम वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एंगल्स की नेमिंग कर दी है, अब आपको सिर्फ अगर आपको बोला है कि अल्टरनेट एंगल्स का पेयर फाइंड करो तो आप क्या, आपको सिर्फ क्या देखना है, जेड देखना है। तो यहाँ पर एक ऐसा जेड बन रहा है, तो ये एच एंगल एच एंड एंगल के, ये एंगल एच और एंगल के है ना, ये जेड के अंदर ही आ रहे हैं ना, एंगल एच और एंगल के किसका पेयर होगा, ये होगा अल्टरनेट एंगल्स का पेयर क्योंकि ये जेड के अंदर से हमने फाइंड किया। फिर जेड ऐसा भी बन सकता है ना, ऐसा भी जेड बन सकता है, ऐसा उल्टा भी बन सकता है जेड, एक ऐसा बन सकता है एक ऐसा बन सकता है। फिर एंगल आई एंड एंगल जे, ये भी किसका पेयर होगा, अल्टरनेट एंगल्स का। और यहाँ पे दो ही तरीके से सिर्फ जेड दिख रहा है, तो यहाँ पे यही पेयर आएगा सिर्फ,
सो यही कुछ बेसिक्स थे जिसको आपको सीखना जरूरी है 2.1 प्रैक्टिस सेट करने से पहले। हमने फर्स्ट देखा कि पैरेलल लाइंस क्या होते हैं, फिर हमने देखा कि ट्रांसवर्सल क्या होता है, और एंगल्स कौन कौन से फॉर्म होते हैं, 8 एंगल्स टोटल फॉर्म होते हैं, हमने ये देखा। टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में ट्रांसवर्सल उसको मतलब ट्रांसवर्सल काटती है टू लाइंस को, और हमने देखा कि इसमें से कौन कौन से एंगल्स फॉर्म होते हैं, जैसे कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म होते हैं, इंटीरियर एंगल्स फॉर्म होते हैं, और ऑल्टरनेट एंगल्स फॉर्म होते हैं, और हम फाइंड कैसे करते हैं इन एंगल्स को मैंने आपको लेटर्स के मदद से सिखा दी हूँ। तो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए जिनको चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2.1 प्रैक्टिस सेट करेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।